tissue paper with you when you're sitting for the revelation scene. I got goosebumps. It was amazing. The performance of Bhumi and Rajkumar Rao. They just nailed it. Nailed. Do you think they have taken a risk by doing such sensitive film? Of course, but the risk is worth it. How many stars would you give? I would give 5 out of 5. फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल बनाई है ताकि लोगों को समझ में भी आए और एकदम इंडियन ऑडियंस विल रिलेट टू इट अच्छे से. और शायद काफ़ी हमारी जो सोसाइटी में अभी भी लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जो शायद पेरेंट्स हैं उनके, आई थिंक वो दे विल अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट, जो अभी तक शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए अपने बच्चों को, हु आर यू नो क्यूर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फिल्म. भूमि पेंडेकर और राजकुमार राव, बेटर परफॉर्मर? दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट राजकुमार ऑब्वियसली हर मूवी के साथ वो परफेक्ट से परफेक्ट होते जाते हैं. भूमि पेडनेकर इज अमेजिंग एज वेल. एक्चुअली उतना ही नहीं, जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स थे ना वो भी बहुत 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 अच्छे, बहुत परफॉर्मेंस अच्छी थी सबकी. 3.5. फिल्म मूवी बहुत अच्छी बनी है. लोगों को पुरानी ऋषिकेश मुखर्जी या बासु चटर्जी या ऐसे फिल्म हल्की फुल्की कॉमेडियों की याद आएगी और एक बड़े ज्वलंत विषय पे एक नाजुक फिल्म बनी है. ख़ास करके जो छोटे कस्बों में आजकल इतना जो नहीं दिखाया था वो दिखाया, क्योंकि पहले दोस्ताना में US में बताया था, बड़े शहरों में बताया था. इस फिल्म में छोटे कस्बों और छोटे शहरों में एक नाजुक विषय पर बना पता है. क्या जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा कॉन्सेप्ट कम देखने मिलते हैं आपको? राजकुमार राव ने जो स्टेप उठाया जी, ये काफ़ी ज्वलंत विषय है. इसके पहले कभी बड़े पर्दे पे दिखा नहीं है, तो पहली बार ऐसा विषय आया है. राजकुमार राव ने काफ़ी अच्छा अभिनय किया है. बिल्कुल पुलिस वाले भी लगते हैं और एक अच्छे प्रेमी भी लगते हैं. रोमांस भी अच्छा किया है और कॉमेडी भी अच्छी की है. भूमि पेडनेकर ने एकदम साधारण लड़की का अभिनय किया है, जो कभी भी ग्लैमरस नहीं लगती, लेकिन अच्छा अभिनय किया है. बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? बेस्ट पार्ट फिल्म का विषय है और जो भी कलाकार हैं जो सपोर्टिंग में हैं, शिवा चड्ढा जी हो, सीमा पावा जी हो या बाकी कलाकार जो, उनका भी अच्छा अभिनय रहा. मैं 4 दूंगा. बोलो, पूछो, कौन पूछ रहे हैं? तो सर क्या कहना चाहोगे बताइए. बहुत अच्छी फिल्म है. मतलब ये मासेस की फिल्म नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल क्लास की फिल्म है. इसके लिए खास ऑडियंस होगी जो इस फिल्म को देखेगी और सराहेगी. फिल्म बहुत अच्छी है, इसमें दो राय नहीं है. एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को उठाया गया है जिसको लेकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, और मैं फिर कह रहा हूँ ये मासेस की फिल्म नहीं है, इस इंटेलेक्चुअल क्लास फिल्म है. तो सर ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने मिलते हैं हमको, राजकुमार राव ने इतना अच्छा कदम उठाया, क्या कहना चाहोगे? यार ये बहुत, मैं फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस सबको, सब काबिले तारीफ है. उन सबकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना रिस्क, इतनी जुर्रत की इस तरह की फिल्म बनाने की आज के दौर में, जो बहुत ही हिम्मत का काम है, बहुत ही उसके लिए बहुत करेज लगता है इस तरह की फिल्म बनाने के लिए, और वाकई में बहुत गट्स का काम है जो उन्होंने किया है. मैं फिर कह रहा हूँ कि एक प्रोड्यूसर का आउटकम आता है मासेस की फिल्म नहीं है. तो आप ये फैमिली को जरूर रिकमेंड करेंगे? फैमिली को ऑफकोर्स यार, हर किसी को देखना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है. लेकिन इसकी मासेस, जो मैं आम लोगों की बात करता हूँ, जो सलमान की ऑडियंस है, वो ऑडियंस इस फिल्म की नहीं है. अगर एक्टिंग की बात करें यार, राजकुमार राव इतने बेहतरीन एक्टर हैं, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है. अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं, अपने चेहरे के हाव भाव से बहुत कुछ कह जाते हैं, आपको हंसा जाते हैं, आपकी आंखें नम कर जाते हैं. इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, और भूमि उतनी ही शिद्दत से उनका साथ देती नजर आ रही है फिल्म में. यार सपोर्टिंग कास्ट, यार मुझे सीमा पावर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उनको उतना टाइम फ्रेम मिला नहीं. यहाँ शिबा ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया है, जो आयुष्मान खुराना की मदर का रोल निभा रही हैं. वो आप एहसास होगा कि हाँ, कुछ लोग फैमिली में ऐसे होते हैं मासूम, इनोसेंट, वो बहुत 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 तरीके से निभाया उन्होंने. बेस्ट पार्ट क्या लगा पूरे? यार मुझे इसका बेस्ट पार्ट ये लगा कि जो नज़रिया आज भी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस तरह के बच्चे पैदा होते होंगे, जब किन्नर किसी के परिवार में पैदा होता है तब भी एक तरह का टैबू है, अरे लोग क्या कहेंगे, उसको अपनाते हैं ना.
भाई उस बच्चे को फेंक थोड़ी दिया जाता है। जब इस तरह के भी बच्चे जब दुनिया में आते हैं किन्नर के अलावा, जो एक अलग सेक्स में या सेम सेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके साथ ये भेदभाव क्यों? वो जो मैसेज देने की कोशिश की गई है और वो जो शुरुआत की गई है, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। यार देखिए, फिल्में हमेशा तो समाज का आईना रही हैं, और जैसे मुन्ना भाई MBBS आई थी तो एक दौर चालू हुआ था गांधीगिरी का। फिल्में बहुत प्रभावित करती हैं समाज को, हो सकता है कुछ लोगों के नज़रिए बदले। 4 स्टार। थैंक यू। हाँ, अलग हटके मतलब इस टॉपिक पे बहुत फिल्में आई हैं, लाइक फायर आई थी जो कल ही चली, फायर, बाकी जितनी आई सब फ्लॉप रही। लेकिन ये फिल्म का एक खास पॉइंट ये है कि उन्होंने बहुत हार्ड टॉपिक लिया है जो मतलब समाज को मंजूर नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया है, वल्गैरिटी को हटा के कॉमेडी और एंटरटेनमेंट और प्लस मैसेज, तो पिक्चर अच्छी लगी, टाइम पास लगी, मतलब हार्ड पिक्चर नहीं लगी। परफॉर्मेंस वाइज राजकुमार राव और भूमि पेंडिकर कौन बेटर परफॉर्मर रहा? ये तो आपने वही पूछ लिया कि अमिताभ बच्चन ज़्यादा अच्छे है कि सलमान खान। एक्टर दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों की एक्टिंग, और मेन कैसा अभी राजकुमार राव ने खास तौर पे पिक्चर के लिए अच्छी बॉडी बनाई और अच्छे भी लग रहे हैं। भूमि पेडनेकर तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है ही, उन्होंने एक्टिंग के लिए 25 किलो वजन बढ़ाया फिर घटाया, तो एक्टर तो दोनों कंपेयर ही नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों का म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक ठीक था, हल्का फुल्का, ऐसा कोई सुपर हिट सॉन्ग नहीं था मतलब, लेकिन पिक्चर के हिसाब से ठीक ठाक था। मेन कैरेक्टर्स अच्छे थे बहुत। 3। थैंक यू।